सीएमडी इस नाम से आए होंगे कि और साथ में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेने और देने के बात किए होंगे। यस और नो? क्या किए होंगे भाई? आपको कुछ प्रोडक्ट नोनी मिलेगा, जूस मिलेगा, एलोवेरा मिलेगा, आपको कभी कभार अलग अलग प्रोडक्ट लोगों ने लेके आया, कार वाश का साबुन मिलेगा, भैंस को नहलाने का आपको साबुन मिलेगा, जूस मिलेगा, एलोवेरा मिलेगा और ना जाने क्या क्या चीजें लोगों ने आपको बांटे हैं। और आपको ये कहा जाता था कि सर आपका वैल्यू फॉर मनी मिल गया। ये सुन लो, आपको वैल्यू फॉर मनी मिल गया। और आपको ये भी समझाया जाता है कि इन प्रोडक्ट के वजह से, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको ये उदाहरण में दे जाता है कि आपकी पतंजलि प्रोडक्ट जो आप पतंजलि के दुकान से खरीद के खा रहे हैं, या फिर आप जो बहुत सारे ऐसे आपके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की कंपनी होती है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, सस्ता थोड़ा जरूर है लेकिन उस प्रोडक्ट से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन हमारी कंपनी के अगर प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। आप मुझे बताइए कितने, मैं ही नहीं कहता हूं कि उन प्रोडक्ट्स को बेच करके या उन प्रोडक्ट को ले करके किसी के सपने पूरे नहीं हुए, हुए कुछ लोगों के सपने पूरे हुए। कुछ उस प्रोडक्ट के नाम, वो कंपनी के नाम होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि अभी तक पूरी नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के अंदर या इतिहास के अंदर कितने प्रकार के कंपनी होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। और ये जो कंपनी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं, उसमें आरसीएम आ जाता है, इसमें एचएचआई आ जाता है, इसमें हाईरीच आ जाता है, इसमें वेस्टीज आ जाता है, बहुत सारे लोग शायद इस पर आप काम भी किए होंगे। इस प्रकार से सैकड़ों उसमें ग्लेज आ जाता है, गैलोवे आ जाता है, एमवे आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो हमारे बीच हमारे अंदर रहकर के काम भी करते हैं। यहाँ पे कुछ एमडी और सीएमडी होते हैं जिनके पास पूरी टोटल अथॉरिटी होती है, क्योंकि ये जो ओनर होता है ना, ये ओनर पूरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सो आते हैं एक या दो प्रोडक्ट के साथ, लेकिन देखते देखते हम और आपकी मेहनत से वो कंपनी 100 प्रोडक्ट के रेंज कर देते हैं, 200 प्रोडक्ट के रेंज कर देते हैं, 400 प्रोडक्ट के रेंज कर देते हैं और आपको कहते हैं कि सर आपके सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन एक चीज तो तय है, आपके सपने पूरे हो चाहे ना हो, लेकिन उन कंपनी के सपने जरूर पूरे होते। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि जो भी कंपनी हमारे बीच आता है, जो भी कंपनी, वो हमारे लिए आता है या उनके लिए आता है? आपको क्या लगता है सर? उनके लिए आता है। जो एमडी सीएमडी आता है वो हमारे सपने पूरे करने के लिए आता है या उनका सपना? आप बताइए। उनका तो यहाँ से 100% उसका प्रॉफिट है। थैंक यू। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर वो कंपनियां जो हमारे बीच आता है, वो कंपनियां हमें अमीर करने नहीं आता है, वो का उद्देश्य होते है कि उस कंपनी का एमडी और सीएमडी वो अमीर बनने के लिए आता है। और हमें तो सिर्फ क्या दिखाया जाता है? लालच। क्या दिखा जाता है सर? लालच। क्या लालच? कि इस महंगी प्रोडक्ट को लेने से, इन महंगी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और हमें कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000 की प्रोडक्ट हमें दिया जाता है और हम इतनी सारे कंडीशन, क्योंकि इस सिस्टम में सर आप शायद देखे होंगे 100 रुपया का अगर आप बिजनेस करते हैं तो 80 रुपया तो कंपनी रख लेता है, यानी कि 80% जो पैसा है वो कंपनी अपने पास रख लेता है। यस और नो? और हमें क्या मिलता है सर? 20%, जिसको हम बोलेंगे सांत्वना पुरस्कार। आप सांत्वना पुरस्कार जानते हैं? सांत्वना पुरस्कार जानते हैं? सांत्वना पुरस्कार मतलब कोई गेम हो गया, कोई खेल हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, कोई मैराथन हो गया, लोगों को पूरा
बाहर ना लगे इसीलिए मॉक दिया जाता है, मॉक ले लो यार, नहीं तो स्टील का थाली दिया जाता है। कितने लोगों को सांत्वना पुरस्कार मिला है, असली जो मक्खन है वो कंपनी ले जाता है, यस और नो? हमें क्या दिया जाता है सर? सांत्वना पुरस्कार। अभी तक लोग कंपनी की आड़ में, लोगों ने सपनों पूरा करने की आड़ में ये एमडी और सीएमडी क्या बिछाया, हम सबके पास एक जाल बिछाया। क्या बिछाया? जाल बिछाया। कुछ प्रोडक्ट के घेरे में रख दिया जाता है, कैसे कि भाई ये महंगी प्रोडक्ट खाओगे, ये मल्टी प्रोडक्ट बेचोगे, लोगों को बताओगे तो ये आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट के एक्चुअल कॉस्ट 20 रुपया होता है, लेकिन इसको रखा जाता है 200 रुपया और हम लोगों को लगा दिया जाता है लाइन में पुश करने के लिए। ले बेटा पुश करते ले, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाते हैं। क्यों करेंगे तो बोलेंगे भाई तुम्हारा 20 रुपया का लाइफ साबुन से कभी आपके घर में गाड़ी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप 200 रुपया का साबुन इस कंपनी का बेचेंगे तो ये 200 रुपए के बदले में आपके घर में रॉक्स रॉयस आएंगे, बलिनो कार आएंगे, अलग अलग ड्रीम्स पूरे होंगे और हमें लगा दिया जाता है रेस में पुश करने के लिए। हम सभी लोग आए तो थे क्या बनने के लिए सर? हम आज तक किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी में किस लिए आए थे? बिजनेसमैन बनना था, लेकिन बन के क्या रह जाते सर? आए तो सर बिजनेसमैन बनने के लिए, लेकिन बन के रह गया सर क्या? एक सेल्समैन। हमारे कंधे में बैग टांग दिया जाता है, कुछ प्रोडक्ट हमारे कंधे में डाल दिया जाता है और हमें बाजारों में छोड़ दिया जाता है कि ले बेटा पुश करते रहे, 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 और पुश करते करते हम थक जाते हैं, हमारे जेब फाका हो जाता है। उतना ही नहीं है, हमारा जो मोटरसाइकिल का जो हवा है ना वो भी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो टायर फटने के बाद दूसरा टायर जो लगवाई है ना उसके लिए भी उतने पैसे नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये प्रोडक्ट बेसिस कंपनी लेजिटमेंट नहीं होते हैं, होते हैं ये लेजिटमेंट कंपनी, लेकिन सर यहां से पैसा निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्या है? इतनी सारी लीडर को, एक लीडर को इतनी कंडीशन लगा दिया जाता है कि 1000 रुपया का चेक बनाने के लिए आपको कम से कम फिर 200 या 300 रुपए का रिटेलिंग करना पड़ेगा, 2 लाइन चलाना पड़ेगा, अलग अलग मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, मास्टर बनाने पड़ेंगे। इतनी सारे क्राइटेरिया हमारे बीच में डाल दिया जाता है और उस क्राइटेरिया के बीच हमें बिजनेस निकालना, यानी कि शेर के मुंह से मांस निकालने जैसा है। किसी प्रोडक्ट बेसिस में अगर हमें पैसा निकालना है, बिल्कुल उसे मांस निकालने जैसा है, इतनी डिफिकल्ट होता है। और पिछले 6 साल मैंने उसी शेर के मुंह से मांस निकालने की कोशिश किया, ये रवि पात्रा ने, और उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि सर प्रोडक्ट बेसिस कंपनी लेजिटमेंट भी है, एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, लेकिन एक चीज है, मोटिवेटेड भी है, ये सब चीजें होंगे, लेकिन एक चीज है वहां पे बहुत डिफिकल्ट होंगे सर, वहां पे पैसा निकालना। आप ईमानदारी से जवाब देंगे, दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी आई आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, वो सारे कंपनी 2 चेयर या 4 चेयर और एक टेबल से, एक छोटे से मकान से शुरुआत हुआ था और वो कंपनी अगले 2 से 3 साल में क्या हो जाता है, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स का टर्नओवर कर लेता है, वो कंपनी बड़ा सा ऑफिस बना लेता है, वो कंपनी का कई सारे मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाता है, $200-300 करोड़ लगा करके। और लेकिन आप बताइए ये सारे पैसे किनके थे? हम और आपके ही थे। फील्ड में रगड़ घूम रहा है हम और आप जैसे लोग, लेकिन इस पूरी प्रोजेक्ट में से पैसे कौन कमाते हैं? मुश्किल, ऐसा नहीं कहूंगा कि वहां पे कोई पैसा नहीं कमाते, 50 से 100 लोग हैं जो इस पूरी सिस्टम में पैसे कमाते हैं।